अपहरण, हत्या, बलात्कार। मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग, इन सुरागों के बिना पर मिलती है सजा। लेकिन जब कानून ही बनने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा इसका जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की इन खास सुर्खियों पर। पहले पत्नी फिर प्रेमिका की हत्या, ऐसी सुलझी मौत की गुत्थी। कार सवारों ने किया किशोरी का अपहरण, बेगम बनने से इनकार पर देवर ने किया दुष्कर्म। अब खबरें विस्तार से। पहले पत्नी फिर प्रेमिका की हत्या, ऐसे सुलझी मौत की गुत्थी। बीकापुर पुलिस ने दो दिन के अंदर हत्या का एक मामला सुलझाया है। सुभाष नगर थाना गांधीनगर में सविता हत्याकांड में पुलिस को सफलता मिली है। गांधीनगर एवं विशेष पुलिस टीम संयुक्त प्रयास से आरोपी पकड़ा गया है। सरगुजा पुलिस ने पिपरोला जिला बलरामपुरा से आरोपी को पकड़ा है। मृतक महिला का मोबाइल पर बातचीत करना हत्या की वजह बना। लिव इन में रह रही महिला की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला का किसी और से मोबाइल से बात करना इतना नागवार गुजरा कि आरोपी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पहले भी अपनी पत्नी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा में 16 साल जेल की सजा काट चुका है। अब एक बार फिर 2 महीने से जिस महिला को पत्नी मानकर उसके साथ रह रहा था उसकी भी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी कुंजलाल मौके से भाग उठा जहां वो जंगल में छिप कर रह रहा था। लेकिन सरगुजा पुलिस ने आरोपी को घटना से 48 घंटे के अंदर उसे जेल के अंदर भेज दिया। मोबाइल भी लेकर भाग गया था। पुलिस ने मोबाइल भी बरामद किया है। आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया। जाने पर आरोपी का गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। कार सवारों ने किया किशोरी का अपहरण। मोहल्लेवासी किशोरी को घर लौटने के दौरान कार सवार दो युवक जबरन अपने साथ ले गए। पीड़ित परिजनों ने कोतवाली पहुंच देवी कुंड रोड स्थित दो युवकों के खिलाफ कार्रवाई को तहरीर दी है। परिजनों ने बताया कि उसकी दो पुत्रियां बाजार से सामान लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान स्टेट हाईवे स्थित दारुला उलंग गेट के निकट एक कार आकर रुकी और कार सवार युवकों ने किशोरी को कार में खींच कर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक दूसरी बहन ने कार सवारों का विरोध किया तो वह उसे धक्का देकर फरार हो गए। किशोरी ने घर पहुंचकर परिजनों को दी जानकारी, जिसके बाद वह कोतवाली में कार्रवाई को पहुंचे। पीड़ित परिजनों ने बताया कि कार सवार एक युवक परका जी और दूसरा युवक देवी कुंड रोड का है, जिनकी अगवा की गई किशोरी को बहन ने पहचान लिया है। उधर कोतवाली प्रभारी HN सिंह ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। बेगम बनने से इनकार पर देवर ने किया दुष्कर्म। आरोप है कि जेवरात भी छीन लिए, घर से निकल दिया। पीड़िता ने कोर्ट के आदेश से ससुराल जनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना निर्धोली कला के एक मोहल्ला निवासी पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए बताया कि 18 दिसंबर को देवर मुविन ने तमांचा दिखाकर दुष्कर्म किया। इससे पहले ससुरालजनों ने उसकी साजिश के तहत उसे कमरे में भेजा था। आरोप है कि ससुरालजनों के पति की मौत के बाद देवर से निगाह करने का दबाव बनाते थे, उससे कपड़े जेवरात भी छीन लिए हैं और घर से निकाल दिया है। पीड़िता ने कोर्ट के आदेश से 5 ससुराल वालों को विरोध में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।